अभी हम लोगों को मन को लगाना पड़ेगा, एकांतिक चित्त को मन को करना पड़ेगा। वायु रेव सदुष्कृतम, वायु को कंट्रोल करना सहज है, हो सकता है नहीं सहज। कैसे वायु को कंट्रोल कैसे करेगा? नाक बंद कर दो, मुख बंद कर दो, कान भी बंद कर दो, एक मिनट रखो तो, डेढ़ मिनट, दो मिनट, बस मर जाएगा। वायु का कंट्रोल ये है, नहीं रह सकते, कंट्रोल नहीं नहीं कर सकते। ये हवा जो चलती है इसके लिए नहीं, हम कंट्रोल करने के लिए कहा है। मन की एका जो चारों तरफ में दौड़ता है उसको एकांत, उसको कंट्रोल करना बड़ा भारी कठिन है, नहीं कर सकते। जितना मन को खाली करेगा उतना ही वो भर जाएगा। समुद्र से एक घड़ा पानी लो और रिक्त स्थान वहां पर छोड़ दो खाली, होगा साथ ही साथ क्या होगा? और पानी का जो बैलेंस है सब दौड़ करके एकदम भर करके एक सेकंड के अंदर में बराबर कर देगा। उसी तरह से मन को तुम खाली करेगा, लाखों जगत की, लाखों जन्मों की स्मृतियां अंदर में आएंगी, बेकार की बोगस। यह कैसे होगा? उसमें पहले भक्ति भरो, कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति अनुराग, नहीं हो श्रद्धा लाओ, श्रद्धा निष्ठा रुचि भक्ति जितने रूप में आती जाएगी धीरे धीरे ये बढ़ेगा। इसके बिना तुम लाख चेष्टा करो नहीं होगा। जब तक भक्ति नहीं आएगी मन को कंट्रोल नहीं किया जा। जितने परिमाण में भक्ति हृदय में आएगी उतने परिमाण में ऑटोमेटिक रूप से ये मन एकाग्र होगा। पहले एकाग्र करके और तब फिर भजन करेंगे ये नहीं। इसलिए जितने परिमाण में भक्ति होगी, कृष्ण का चिंतन करो। अन्य करते समय में वृंदावन में हूं, जमुना जी बह रही है, पीक कोयल कुहक रही हो, अत्यंत सुंदर वातावरण है, उसमें राधा कृष्ण है, ऐसा चिंतन करो तो नहीं आता है? गोवर्धन में गए हो, गोवर्धन की तराई में जहां पर की कुंज है, जहां पर की गोवर्धन राज निकट में है, वहां पर बैठ जाओ मन ही मन में और वहीं पर राधा कृष्ण को देखो। क्या देखो? कृष्ण खोज रहे हैं किसी को, किसको खोज रहे हैं देखो तो मन में, और फिर अपना मंत्र उच्चारण करो। इस तरह से हो सकता है, खाली करके उनको दूर करके तब फिर भक्ति लाएंगे ऐसा नहीं होगा। जो जिस अवस्था में जहां पे स्थान है स्थिता तनुमांग मनोभी प्रायशो अजीत जीतरो पे त्रयसो लोक कर, जिस स्थान में गृहस्थ आश्रम में त्यागी आश्रम में जिस अवस्था में हो अपने भजन के, जिस अवस्था में तुम हो वहीं पर रह करके क्या करो? स्थान स्थिता रह करके साधु संघ में जो हरि कथा हो रही है, भागवत की कथाएं हो रही है, लीला कथाएं हो रही हैं, उस स्थान को, उस वक्ता को, श्रोता को, आयोजन करने वाले को प्रणाम करो। ऐसा करते करते रुचि के साथ में श्रवण करने पर अजित भगवान भी, दूसरों के लिए होने पर भी भगवान भी अजित हो जाएंगे। मन की तो बात क्या है, मत प्राणा, पहला इसका अर्थ बतलाएंगे। मत प्राणा हमारी, उनका प्राण मैं हूं उनका प्राण। और दूसरा अर्थ होगा मेरे वो प्राण स्वरूप प्रिय है, दोनों मदर्थ है हमारे लिए। तैक्त दैह का देह दैहिक जितने भी व्यापार हैं मेरे लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए त्यक्ता सब कुछ छोड़ दिया है, देह दैहिक सब कुछ। यद्यपि यह भक्ति नहीं है छोड़ना, किंतु यह छोड़ना किस लिए है? यह छोड़ा नहीं अपने आप छूट गया, किस लिए? कृष्ण के चिंतन के लिए, कृष्ण के प्रिय चिंतन, उनके सुखी करने की इतनी तीव्र भावना हुई कि अपने आप श्रृंगार छूट गया, अपने आप माता पिता भाई बंधु पति इत्यादि का संबंध अपने आप छूट गया, सब कुछ छूट गया, देह दैह की सब, अपने लिए कुछ नहीं करती। दैह का इसको लिए चेष्टा हम लोग करेंगे, यदि भजन करना है तो इनका अनुसरण करना चाहिए अपने अधिकार के अनुरूप। यदि नहीं करते हैं तो आपका साधन भजन निरर्थक है, बेकार, केवल खाने पीने के लिए हम मठ में हैं या कहीं भी है। बहुत से लोग अपना घर बना करके भजन करते हैं, हमारे विचार से ये सब ना करके जहां पर साधु संत ऐसे हैं जिनसे हमारा कुछ उनसे सीख सकते हैं
जहां पर निरंतर हरि कथा होती है, अपने प्राणों को सर्वस्व संपूर्ण रूप में दे करके इन सब चीजों को श्रवण करके अपना जीवन बिताना चाहिए। यह अनुभूति की चीजें हैं। लाख जीवन अपना तू भजन करेगा नहीं होगा, एक एक सीढ़ी को पार करना पड़ेगा। और साधु संतों के शरण में हरि कथा सुनने से क्या होगा, गैलप करके चले जाएंगे, किंतु हम इस चीज को समझते नहीं है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से कोई क्या आशा कर सकता है? एक साधारण विद्वान आदमी उनसे क्या आशा करेगा, करेगा कुछ? प्रभुपाद आशा कर सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर आशा कर सकते, निरक्षर कोई श्लोक नहीं उच्चारण कर सकते, पढ़ नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते, लिखना भी अपना नाम भी दर्शक नहीं कर सकते, किंतु कौन उनके लिए अपेक्षा रखता है? श्रील प्रभुपाद जगत विख्यात जो है, ये उनसे आशा रखते हैं। क्या आशा रखते हैं? उनकी अनुभूति की बातों को सुनने। कुथाए गो मई राधे राधे, ये कौन सुनाएगा? कोई सुनाएगा? दूर जगत में कोई है? आंखें छल छला रही हैं, रो रही हैं, लोट रहे हैं, पोट रहे हैं, और उच्च स्वर से महा विप्रलंब भाव से कर रहे हैं, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते। ये प्रधान नहीं है, प्रधान क्या है? विप्रलंबा रसम बोधि, रस के अम्बुधि अगाध ओर छोर रहित, ये विप्रलंब रस के प्रतिमूर्ति है, इसलिए वैराग्य मूर्ते इसका गौण लक्षण। इन शिव चर्चों की अनुभूति कहां से होगी? इन महापुरुषों के भजन से हम लोग, उनके संग से, उनके जीवन चरित्र से सीख सकते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के पास में भागवत पढ़ने से नहीं होगा, चाहे लाख सुने पढ़े, ये अनुभूतियां उनको नहीं आएगी। हाँ, अनुस्वार विसर का अर्थ वो कर लेंगे और उसमें कहेंगे जी भक्ति विनोद ठाकुर ने या जीव गोस्वामी ने ये भूल किया, वैष्णव तोषणी में ये अनुस्वार विसर का ये भूल है, ये ठीक नहीं है, ये वो देखेंगे, भाव नहीं ले सकते हैं। इसलिए एक बार मैं कहीं गया था दक्षिण में, एक बड़े भारी धुरंधर विद्वान पंडित संस्कृत के प्रिंसिपल का, ये जी गोस्वामी ने जो सर्वधर्मान प्रत्यज जो ये किया, जो अर्थ किया है, ये ठीक नहीं है। हमको तो एकदम क्रोध से शरीर जल गया, कहा जब मूर्ख व्यक्ति अपने को तुम प्रोफेसर प्रिंसिपल समझता है, तो कोटि कोटि जन्मों में जीव गोस्वामी के अक्षरों को या उसका अर्थ नहीं समझ सकता, तुम क्या उसका सुधार करोगे? वो कह रहा था जैसे वो संसार में अनाशक्त रह करके भजन करना चाहिए। हमने कहा जी ऐसा नहीं, जीव गोस्वामी ने ये ठीक लिखा है, आसक्ति त्याग करके सर्वतः त्याग करो। सर्वतः को वो समझ नहीं रहा था, जब मैंने समझाया सर्वतः गोपियों जैसा ये भाव, तब उसके समझ में आया, चरणों में गिर गए, चरण में गिर करके क्षमा मांगने लगे। इसलिए महापुरुषों के साथ में रहने से वो लाभ है जो कोटि कोटि जन्मों के साधन से संभव पर नहीं हो सकता। तत्त देह का, तत्त देहता ये गौण चीज है, ये कैसे होगा? कैसे होगा? मन मनस का मत प्राणा होने से ये संभव होगा, अनुसंगिक रूप में होगा। तब क्या किया इन लोगों ने? देह दैहिक सब कुछ हो। सनातन गोस्वामी जी इसकी टीका में और विशद रूप से बतलाएंगे, अभी हम साधारण रूप में इसको बतला रहे हैं। जे तैक्त लोक धर्म मदर्थे तान विभर्म में हम, जिन लोगों ने संसारिक जितने क्रियाकलाप हैं, व्यवहार को जीवित रहने के लिए जो जितने भी आवश्यक कार्य हैं, मैं पोषण उनका करता हूं, मैं कंधे पर बहन करके अपने सिर पर ढो करके विभर्म में हम, विभर्मी उनका पालन पोषण मैं करता हूं। उनको शुद्ध बुद्ध नहीं है खाने की, उनको शुद्ध बुद्ध नहीं है कुछ, उनके पतियों के पास में उनकी प्रतिमूर्ति बना देता हूं, वो उनके साथ में समझते हैं कि मैं इनके साथ में मिल करके भोग इत्यादि कामों में व्यस्त हूं, वो मेरे लिए रसोई बना रही है, वो हमारी सेवा कर रही है, किंतु वो कौन कर रहा है? योग माया माया प्रत्यय वो मूर्तियां कर रही हैं। उनके बदले में खुद ऐसा रूप बना करके उस काम को कर देते हैं। अभी हमने सुना कहीं
अभी नहीं, मैंने कुछ दिन पहले मैंने सुना था, कोई एक सिपाही थे तो उन लोगों का कहीं रात पर एक पुल पर पहरा था, तो बमिंग इत्यादि, पाकिस्तान बमिंग इत्यादि कर रहा था, पुल ना उड़ जाए, इसलिए रात में दो दो घंटे की ड्यूटी थी, तो वो उसकी ड्यूटी थी 12 बजे से 2 बजे, और ठीक उस समय में भगवान चिंतन करते 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 वो भूल गया, अपने घर पर ही रह गया और 12 बजे से ड्यूटी में नहीं आया। उस समय एसपी देखने के लिए आए, सुपरविजन करने के लिए, तो देखा जैसे ड्यूटी में है, अब बड़ी मुस्तैदी के साथ में है, उसने उसका सभी स्मोक मंगाया और कहा, लिखा उसमें इसका प्रमोशन होना चाहिए, बड़ी मुस्तैदी के साथ में ये ड्यूटी कर रहा है। इसके बाद में वो चले गए। दूसरे दिन जब वो ड्यूटी पर आया, डरता हुआ, जो रात में न जाने क्या हुआ होगा, सुना जैसे तो इंस्पेक्शन के लिए आए थे, तो देखा जी उसके सर्विस बुक में ये लिखा हुआ है कि मुस्तैदी के साथ में इसको ड्यूटी देख करते हुए देखा, इसलिए इसका प्रमोशन हम करते हैं, इसको हविलदार या और उससे ऊपर का उसको बना दिया। कहा जैसे मैं तो गया नहीं, तो ये गया कौन, कौन गया, और ये बात किसी को मालूम नहीं है, तो आखिर ये हुआ कैसे हुआ। तो मैं जिसका चिंतन कर रहा था, प्रभु ने हमारे लिए इतना कष्ट करके ड्यूटी दिया 2 घंटे, और उसके द्वारा ये लिखवाया, अब हमको ड्यूटी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, वो हमारा सब प्रकार से इतना करते मेरे लिए कर सकते हैं, अब मुझे ड्यूटी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, छोड़ करके वृंदावन चलाया और भगवान के भजन में मस्त हो गया। आपने अर्जुन गीता के टीकाकार के लिए संबंध सुना है, जे कैसे उसके लिए स्वयं बांक पर ढोढो करके उसे ले चावल दाल तरकारी घर में लेकर के पहुंचा दिया, और उसमें जो काट दिया था लाल से उसको उड़ा दिया, योगक्षेम वहम व्यहम। इसलिए ये भी करें, योगक्षेम वहम व्यहम अभिभर्मी अहम, दोनों एक ही तात्पर्य है, मैं खुद भरण पोषण करता हूं। इसलिए आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जब महाराज मर जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, गुरुजी मर जाएंगे, बहुत से लोग हम लोगों के लिए भी चिंता कर रहे थे, गुरुजी जब चले गए उस सच से गुरुजी मर जाएंगे, उनको यह विश्वास नहीं है कि गुरुजी कभी नहीं मरते हैं, सब समय भगवान के समान ही हमारा पालन पोषण करते हैं, अंतर ध्यान हम उनको पा नहीं सकते, हमारा अधिकार नहीं है उनको देख, किंतु वो हमें देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। यदि कोई भगवान का शरणागत होगा तो क्या करेंगे कृष्ण, ऐसे ही विभर में हम उनका मैं पालन पोषण करता हूं, इस पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए भविष्य के लिए चिंता किस चीज की, जो मूर्ख है वो लोग चिंता करते हैं भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या हो, माने भजन प्रिय नहीं है, ओ देखते हैं कि वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो चले गए तो उनके शिष्य परस्पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और चाहते हैं कि मैं इस मठ को दखल कर लूं, मैं यहाँ का महंत बन जाऊं, तो उस समय हम लोग तो कुछ जानते फनते नहीं, हम लोगों को तो खदेड़ देंगे, हम लोग कैसे जीवित रहेंगे। अरे भाई भगवान पर विश्वास रखो, यदि इतना विश्वास नहीं है तो घर छोड़ा किस लिए, घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कुछ हो जाएगा हम तो घर में चले जाएंगे, अपने यहाँ पिताजी के या अपने भाइयों को अपनी संपत्ति नहीं लिख दिया या छोड़ करके नहीं चला, उनको धमकी देता है, ये देखो कुछ दिन में मैं आ जाऊंगा, ये घर मेरा है और इसका हमने रजिस्ट्री नहीं किया दूसरों के नाम से, जब हम इच्छा होगी तो आ जाएंगे, ये भजन का तरीका है। हरिदास ठाकुर ऐसा किया कि चैतन्य महाप्रभु गए तो रजिस्ट्री करके गए संपत्ति, इसलिए ऐसा मत सोचो, एकदम संपूर्ण रूप से भगवान के ऊपर गुरु के ऊपर में निर्भर रख करके जो जरूर प्रतिपालन करेंगे। फिलहाल सनातन गोस्वामी की टीका आप देखिए, मत संदेश ही विमोचया, मेरे संदेश से उनको तुम संदेश देकर उनका विरह ताप है उनको दूर करो, क्या हेतु, उसका हेतु, उसका कारण क्यों, इसके लिए बतला रहे हैं। विरह नल में जहां देर सर्वांग दग्ध हुई
कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि कृष्ण के अंक में गोपियां हैं और वो भूल जाती हैं, कहते हैं कृष्ण कहां गए, कृष्ण कहां गए। इसको कहते हैं प्रेम वैचित्र। ऐसा प्रेम वैचित्र कुछ कुछ इसका अंश द्वारका में देखा जा सकता है, पूरा नहीं, पूर्णतम तो ब्रज में ही रहेगा। तो वहां जितना ही उनमें प्रीति होगी उतना ही उनको विरह होगा, विरह में। तो तादृश संबंध की अभिमत विधेय, उसके संबंध में क्या हमको सोचना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, इसके लिए स्वयं कृष्ण कह रहे हैं विरह नल में तहीं परवर्ती श्लोक द्वय में, दोनों श्लोक में कौन ता मन मनस्का और मैता प्रियसा प्रेष्टे दुरस्थे गोकुल स्त्रिय स्मरंति हे स्मरंति अंग विमोयंति ग्रहोत घंट विफला। गोपियों के इस भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तहादर केवल निरुपाधिक प्रेम महात्म लक्षण बतला रहे। एक प्रेम होता है निरुपाधिक प्रेम, एक प्रेम का लक्षण होता है यदि किसी को प्रेम का थोड़ा सा भी भाव आभास उत्पन्न हो, प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो, तो उसका बाहरी लक्षण क्या है, शांति अव्यक्त काल तंग विरक्तिर मान्य शून्यता आशा बंधो समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तत्पश्चात। ये प्रीति के अंकुर के लक्षण, प्रीति नहीं है, भाव का बाहरी लक्षण है, अंतर लक्षण नहीं है। आ रहा समझ में, अंतर लक्षण नहीं है, बाहरी लक्षण। इनको ये होने पर भी नहीं भी प्रेम हो सकता है। तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सही सुनता अमानिना मान देन कीर्तनीय सदाहरी। ये प्रेम नहीं है, बल्कि प्रेम का कुछ बाहरी लक्षण है। ये यदि तृणादपि कोई सुनुच भी हो जाए, तरोरपि सहिष्णु भी हो जाए, अमानी भी हो जाए, दूसरों को मान भी दे, तो आंशिक रूप में ये कर सकता है कोई। एक मायावादी भी ऐसा कर सकता है, एक कर्मी भी कर सकता है, किंतु आंशिक रूप में होगा। जिसको प्रेमा भक्ति है या प्रेमा भक्ति चाहता है, उसके ये बाहरी लक्षण है, वो अपने आप वैसा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को चेष्टा करनी चाहिए उस भक्ति को लाभ करने के लिए। कैसे होगा, तृणादपि सुनी चेन सुनी छो। हमने सुना है महावीर जी जो थे, गौतम बुद्ध और महावीर, उनमें से जो महावीर, उनके कान में कोई खूंटा ठोक दिया इस दर से इधर से, कुछ नहीं बोले। यह कैसा चीज है, कैसे शाही सुनो, ईसा मसीह के ऐसे करके हाथ में कीले ठोक दी, तो उनके साथ में जबरदस्ती की ये हाथ हिला रहे होंगे, हो सकता है, क्योंकि प्रेम तो नहीं, प्रेम का आभास था, इसलिए हाथ हिला रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, किंतु ये उनसे कुछ ऊंच स्थिति में, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। सहिष्णुता तो है, भक्ति है, यहाँ भक्ति से कोई भी संबंध नहीं। इसलिए दूसरों के लिए भी ये तृणादपि सुनिज कोई हो सकता है, कर्मी भी हो सकता है, किंतु आंशिक रूप में होगा। ज्ञानी भी हो सकता है ऐसा, तृणादपि सुनिज तरोरपि सहिष्णुना भी हो सकता है। बहुत उदाहरण है, जैसे एक व्यक्ति, कर्मी व्यक्ति, अपने अंगों में जीवित रह करके दधि और बूरा लगा दिया और गायों से जीवित रहते हुए चटवा दिया, ये कैसी सहिष्णुता है कि नहीं? ऐसा है कोई विश्व में कोई दूसरा उदाहरण ने? और भी शिवी अपने अंगों को काट काट करके तराजू में रखते गए, कबूतर को तौलते गए और अंत में अपने को ही चढ़ा दिया, यह सहिष्णुता है कि नहीं? महाप्रभु के भक्तों में भी ऐसा सहिष्णुता है, हम देखेंगे बाहरी रूप से नहीं है। तो इस सहिष्णुता होने से ही, अमानी मानद होने से भी नहीं होगा। ये तो बाहरी उसके लक्षण है, भीतर में उसको कैसे चेष्टा करेंगे भगवान के चरणों में प्रीति हो,
गुरु के चरणों में प्रीति हो, यह प्रीति जितने रूप में आएगी कृष्ण सेवा की वासना उतने रूप में यह होगा। इसलिए उसको प्राण रख करके और प्रेम को बढ़ाने के लिए यह सब चीजें होनी चाहिए, तब तो ठीक है। इसलिए इनका भी यहां पर कर रहे हैं, तहा पर्वत ता मन मनस्का इत्यादि में इसको उनका अंतर लक्षण को वर्णन करना बड़ा भारी कठिन है, वो अनुभूति के द्वारा वो समझेंगे गोपियों का कैसा प्रेम था, जो प्रेम वैचित्र उनको हो जाता है, वो प्रलाप करती हैं, वो उसको क्या कहते हैं, क्या प्रजल्प इत्यादि को कैसे हो, किस लिए होता है, चित्र जल्प, चित्र जल्प उद्भास्वर, ये सब जो होते हैं ऊपर का वो लक्षण तो कह दिया किंतु भीतर में क्या होने से होता है ये अनुभव अनुभव गम्य अथवा स्वसंवेद्य है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है भजन साधन के द्वारा ही। इसीलिए लोगों को शंका हो जाती है, ऊपर के तो दुख को देखते हैं भीतर में प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिए कभी कभी शंका हो जाती है साधन, इसलिए भक्ति को छोड़ देते हैं। और जिसको थोड़ी सी स्वसंवेद्य दशा के लिए भक्ति की थोड़ी सी अनुभूति होगी वो कदापि नहीं छोड़ेगा, बल्कि सब कुछ संसार छोड़ करके देह दही भगवान के ये सब अनुशीलन में लग जाएगा। अनुशीलन ही मूल चीज भक्ति है। ये सब जो बारी जो लक्षण दिए गए शांतिर अव्यक्त कालत्वम विरक्तिर मानस अन्यता, इसमें प्राण क्या है, कृष्ण सेवा की वासना भाव है। कौन सा भाव, शुद्ध सत्व जो कि भगवान के परिकरों में है, उसके हृदय में बस अभी हम लोगों को मन को लगाना पड़ेगा, एकांतिक चित्त को मन को करना पड़ेगा। वायु रेव स दुष्कृतम, वायु को कंट्रोल करना सहज है, हो सकता है नहीं सहज, कैसे वायु को कंट्रोल कैसे करेगा, नाक बंद कर दो, मुख बंद कर दो, कान भी बंद कर दो, एक मिनट रखो तो, डेढ़ मिनट, दो मिनट, बस मर जाएगा। वायु का कंट्रोल ये है, नहीं रह सकते, कंट्रोल नहीं नहीं कर सकते। ये हवा जो चलती है इसके लिए नहीं, हम कंट्रोल करने के लिए कहा है, मन की एक जो चारों तरफ में दौड़ता है उसको एकांत, उसको कंट्रोल करना बड़ा बड़ी कठिन है, नहीं कर सकते। जितना मन को खाली करेगा उतना ही वो भर जाएगा। समुद्र से एक घड़ा पानी लो और रिक्त स्थान वहां पर छोड़ दो खाली, होगा, साथ ही साथ क्या होगा,